नमस्कार। नवरात्रों के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल। इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको बता रहे हैं माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के बारे में। और आज है नवरात्र का तीसरा दिन जहाँ पर पूजा की जाती है माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, जिसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष अलंकार एस के शर्मा जी। गुरु जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत हम कर लेते हैं चंद्र घंटा माँ के स्वरूप के साथ। कैसा है माँ का चंद्र घंटा स्वरूप और इस स्वरूप का क्या महत्व होता है? माँ का चंद्र घंटा स्वरूप जो है वो क्योंकि नवरात्रि का जो है तीसरे नवरात्रि का स्वरूप है और माँ के माथे पर अर्ध चंद्र के आकार के चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा की इस टाइम बढ़ती हुई स्थिति है शुक्ल पक्ष की, तो चंद्रमा जो है माँ के माथे पर विराजमान है। वो स्वरूप है 10 हाथों वाली माँ, जिसमें 8 हाथों में उसने हथियार लिए हुए हैं विभिन्न प्रकार के, और एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं। इस तरह से 10 हाथों वाली माँ सिंह पे सवार हैं, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा रखा गया है कि चंद्रमा जो है इनके माथे पर विराजमान है। अर्ध चंद्र का स्वरूप चंद्र घंटा नाम इस प्रकार पड़ा है जी। देवी का भव्य स्वरूप है। चलिए, बहुत ही अद्भुत छवि आपने बताई है। माँ के स्वरूप का महत्व क्या है पंडित जी? महत्व है किसी भी प्रकार की मानसिक क्लेश, पीड़ा, घर में अशांति, किसी भी प्रकार की जो है बाधाएं, कार्य में बाधाएं, संपन्नता में बाधाएं, इन सभी को दूर करने वाली हैं। विधि विधान से पूजा की जाए तो सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जी, आपने बताया विधि विधान से पूजा की जाए तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में माँ के स्वरूप की पूजा किस प्रकार से की जा सकती है, क्या विधि विधान है इसके? विधि विधान यही है जो कि मैंने कि पहले स्वरूप की पूजाओं के बारे में बताया है कि 2 फुट बाई 2 फुट का स्क्वायर में एक चौकी आप लेकर के वहाँ पर प्रथम पूजा के समय जो आपने नारियल को स्थापित किया होगा शैलपुत्री की पूजा के रूप में प्रथम नवरात्रे में, उसी नारियल पे आप तिलक करके एक छोटी सुपारी पे गणेश जी का स्वरूप मान के तिलक करके चांदी की कटोरी में या स्टील के बर्तन की कटोरी हो उसमें कच्चा दूध डाल के उसमें एक चांदी के सिक्के को डुबो के धो के निकाल के अगर उस पर गणेश लक्ष्मी जी बने हुए हैं तो भी ठीक है, प्लेन सिक्का है तो भी ठीक है, उस पर तिलक करें। इस प्रकार स्थापना करके श्वेत और लाल रंग के वस्त्र को धारण करके इस स्वरूप की पूजा करें, साथ में चौकी पर पीले और लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, विशेष लाभकारी रहेगा। तो भक्तों, आपने जाना किस तरह से माँ के स्वरूप को प्रसन्न किया जा सकता है, पूजा अर्चना किस प्रकार से माँ के स्वरूप की जा सकती है। गुरु जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोई मंत्र ऐसा है जिससे माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, कोई मंत्रोच्चारण आप हमारे दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए बताना चाहेंगे? जी, बड़ा साधारण मंत्र है। देवी शक्ति का रूप है, इसलिए शक्ति की उपासना सर्वप्रथम है, उसके बाद उसके स्वरूप की उपासना। जी, जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया कि शक्ति उपासना में दुर्गा जी का स्वरूप 9 दुर्गाओं की शक्ति का रूप है। नमो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, इस मंत्र को बोल के उसके बाद में इसके स्वरूप का जो मंत्र है उसको बोलना चाहिए। जी, और मंत्रोच्चारण के लिए कोई समय भी यहाँ पर दिया गया है, सुबह के समय मंत्रोच्चारण करना चाहिए या दोपहर में या शाम को? जी देखिए, वैसे तो देवी और हनुमान जी की पूजा का एक विधि विधान बताया गया है कि रात्रि में पूजा की जाए जी, लेकिन नवरात्रि में सुबह की पूजा भी उतनी फलदायी रहती है, और उसमें भी अगर पूजा या तो सुबह सूर्योदय के आधे घंटे पश्चात तक या 12 बजे पहले कभी भी की जा सकती है। विशेषकर एक मुहूर्त आता है अभिजीत मुहूर्त के नाम से, जो कि सुबह 11:42 से शुरू होके और 12:12 तक चलता है जी। उस मुहूर्त में वो आधे घंटे के करीब समय में आप जो भी पूजा करेंगे उसकी ही विशेष कर आपको जो है फल की प्राप्ति होगी और संपन्नताएं जो है हर प्रकार से बढ़ाएगी। चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा के लिए
आपने जैसे कि पहले मंत्र बोला है देवी की शक्ति के रूप के तौर पे, नमो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, इसी प्रकार से साथ में आप ये भी बोले हैं नमो देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटाए रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त आप एक मंत्र और भी बोल सकते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दैव्य शाप नाशा अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा, इसको आप अंत में भी बोल सकते हैं और प्रथम में भी बोल सकते हैं, हर प्रकार से लाभकारी रहेगा। चलिए बिल्कुल, आपने यहाँ पर बताया कि इस प्रकार से विधि विधान है पूजा अर्चना का माँ के स्वरूप का, साथ ही आपने बताया मंत्रोच्चारण के बारे में। तो भक्तों अगर ये मंत्रोच्चारण आप करते हैं, पूजा पाठ आप करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो ये जानेंगे कि माँ के चंद्र घंटा स्वरूप का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल। खबरों की कोई एक भाषा नहीं होती, खबरें छोटी बड़ी नहीं होती, खबरें सिर्फ खबरें होती हैं, सच्ची मीठी। समाज बनता है गली मोहल्लों से, गांव से, शहरों से, आप। इसलिए यदि आपके पास है कोई खबर समाज को जागृत करती जानकारी, या फिर आप उठाना चाहते हैं सामाजिक बुराई के खिलाफ एक आवाज, तो हम बने आपकी आवाज, क्योंकि हम हैं आप ही का हिस्सा, हम हैं आजाद में सबकी आवाज। मैं भी बनना चाहती हूँ माधुरी दीक्षित, मदर टेरेसा, राष्ट्रपति किरण बेदी, तेंदुलकर, धोनी, युवराज, युवी, खूबसूरत सपनों और बुलंद इरादों के साथ मैं बनूंगा ऐसा नेता जो सोचे सिर्फ देश के बारे में। अब प्रोग्राम फॉर द यूथ। किस्मत की लकीरें हाथों में, तकदीर का सारा हाल बयां होता है कार्ड से, कार्ड जो बताते हैं आपकी किस्मत का हाल। मैं भावना भारद्वाज आपकी टैरो कार्ड रीडर बताऊंगी आपका भविष्य सुमंगला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं नवरात्रों के बारे में, और ये भी जान रहे हैं कि माँ के अलग अलग स्वरूपों का क्या महत्व होता है। लगातार हमने आपको बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जाती है, और किस प्रकार से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है ये भी आपको गुरु जी ने अभी बताया। और अब ये जान लेते हैं कि माँ के चंद्र घंटा स्वरूप का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। गुरु जी, 12 राशियों का जहां तक सवाल है, देवी की पूजा उपासना से हर राशि पे ही अच्छा असर पड़ता है, कि पूजा हमेशा अच्छा प्रतिफल देती है। लेकिन विशेषकर क्योंकि चंद्र घंटा देवी का नाम जो है चंद्रमा धारण किए हुए हैं, अपने सिर पे अर्ध चंद्र धारण किए हुए हैं, तो चंद्र राशि के हिसाब से जिनकी जल राशि से संबंध रखने वाली राशि होती है, जन्म राशि, जैसे कि जन्म राशि किसी की कर्क होती है, वृक्षिक होती है या मीन होती है, उनको विशेष लाभदायी है। मेष राशि वाले जिनकी की राशि की प्रतिनिधित्व जो है मंगल करता है, मूंगा धारण करके लाल रंग के वस्त्र पूजा की चौकी पर बिछा के, लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करने से
हालांकि देवी जो है चंद्रघंटा शांति स्वरूप में चंद्रमा धारण किए हुए हैं, उसके बावजूद भी लाल रंग के वस्त्र धारण करके देवी की पूजा करने से, साथ में सफ़ेद रंग का वस्त्र अपने जेब में रख के, रुमाल रखकर, वो साथ में एक उसको मिला करके करके पूजा कर सकते हैं, विशेष लाभ करी रहेगा। इसके अतिरिक्त बाकी राशियों वालों को पूजा करने में भी लाभ ही लाभ रहेगा। इन राशियों के जातकों को या जिनकी राशि चंद्र राशि जल राशि से संबंधित रखती है, वो क्योंकि चंद्रमा धारण की में देवी से चंद्र घंटा रूप का विशेष लाभकारी योग बनता है। चलिए मेष राशि के बारे में आपने बताया, वृष राशि के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। वृष राशि के बारे में, शुक्र की राशि है, शुक्र वैसे तो राक्षसों के गुरु कहलाते हैं, लेकिन शुक्र जो है शिवजी के भी भक्त हैं और देवताओं में तो नहीं राक्षसों में, हालांकि जो है गुरु का स्थान रखते हैं, तो गुरु के स्थान रखने वाला कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, इसलिए वृष राशि वाले जो हैं उनको भी चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करने में विशेष लाभकारी रहेगा। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करेंगे, विशेष लाभदायी योग बनेगा। चलिए सफ़ेद रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए अगर पूजा पाठ आप कर रहे हैं, ये गुरु जी ने बताया वृष राशि के बारे में। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि के जातकों को किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए माँ के चंद्र घंटा स्वरूप का। गुरु जी देखिए, जिनकी चंद्र राशि जो है बुध से संबंध रखती है वो मिथुन राशि कहलाती है, यानी कि जिनका चंद्रमा तीन नंबर राशि में होता है वो मिथुन, या उसे आप जेमिनी कह सकते हैं। और हरे रंग का इसमें विशेष प्रावधान होता है, लाभकारी रहता है। तो अपनी पूजा की चौकी पे बाकी सब क्रियाविधि उसी प्रकार है और राशियों वालों की तरह, सिर्फ हरे रंग का एक रुमाल अपनी जेब में या चौकी पे पूजा के समय रख लें, विशेष लाभकारी रहेगा। चलिए हरे रंग का कपड़ा आप चौकी पर रख सकते हैं या अपने पास पहन कर रख सकते हैं या रख सकते हैं अपने जेब के अंदर भी, जैसा कि गुरुजी ने बताया, तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ जरूर पहुंचेगा। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। जी कर्क राशि जो है जल राशि है और चंद्रमा की अपनी राशि है, चंद्रमा देवी के सिर पे विराजमान है अर्धचंद्र के रूप में, तो कर्क राशि वालों के लिए तो विशेष महत्व इस पूजा का चंद्र घंटा रूप का। फिर भी कर्क राशि वाले अगर मोती धारण करके पूजा करते हैं तो धन के मामले में उनको बहुत वृद्धि होगी, घर में शांति का माहौल विशेष बनेगा। अगर किसी घर में अशांति होती है किसी वजह से, कोई लड़ाई झगड़ा होने के कोई जो है अवसर नहीं प्राप्त होंगे, अपने आप सब चीज जो है सुधार होती चली जाएगी। जी आपने बताया मोती धारण करने की आवश्यकता होती है, माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की अगर बात करें तो चंद्रमा का वहां पर जिक्र होता है जिसका रंग भी सफेद होता है, तो दोनों के बीच रंगों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा समानता है। जी जी चंद्र घंटा स्वरूप में जो देवी ने वस्त्र धारण किए हुए हैं वो सफेद रंग के साथ में लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं जी, उस देवी स्वरूप में बहुत सादगी का स्वरूप है वो भी, और उस स्वरूप में जो है कहीं से सरस्वती का रूप भी झलकता है जो कि हमारे वेद पुराणों में वर्णन मिलता है जी। सादगी का स्वरूप है और बुद्धि पक्ष से जो है विशेष महत्व रखता है इसका, और सादगी के स्वरूप को सादगी के रूप में पूजा करने में विशेष लाभदायी रहेगा। सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा करें, मोती रखें, दूध रखें पूजा के स्थान पर, जैसे कि पहले भी बताया था चांदी का सिक्का रखें, जो सफ़ेद वस्तुओं का काफ़ी महत्व रहता है, सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करें जी, आप सफ़ेद रंग की चमेली की माला जो है वो माँ को पहना सकते हैं, पीले गेंदे के फूल के अलावा उनकी माला, उस माला के अलावा सफेद रंग की माला भी पहना सकते हैं, विशेष लाभ। बिल्कुल। अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के बारे में कहा जाता है कि इस जातक के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर के होते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा उनके अंदर देखा जाता है, तो माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की अगर बात करें तो उसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है सिंह राशि के ऊपर? सिंह जो है वो माँ का जो है वाहन है और चंद्र घंटा स्वरूप जो है शांति का स्वरूप है, तो सिंह राशि वाले जो कि कहा जाता है कि बहुत गुस्से वाले होते हैं और बहुत जल्दी जो है वो बहुत डिक्टेटिंग या बहुत कमांडिंग नेचर उनका होता है जी, उस चीज़ को कंट्रोल करता है और उनको एक सद्भावना और अच्छी प्रेरणा देता है
चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करने के लिए सिंह राशि वाले भी सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करें, गुस्से में शांति मिलेगी, मानसिक क्लेश अशांति दूर होगी। इसके अलावा सिंह राशि वाले, वैसे तो उनको माणिक धारण करना चाहिए, लेकिन यहाँ ही स्वरूप की पूजा करने के लिए माणिक के जो है के अलावा आप सफ़ेद रंग का मोती पहने। माणिक के जो है सूर्य का रत्न है, मोती जो है चंद्रमा का रत्न है, दोनों मित्र हैं, इसलिए ये दोनों रत्नों को धारण करके पूजा करने से विशेष लाभ करी रहेगा। आपने बताया माणिक और मोती के बारे में, कितने रत्ती का माणिक धारण करना चाहिए और उसे सोने में धारण करें या चांदी में? देखिए, माणिक तो सोने में धारण करना चाहिए जी। किसी की अगर समर्थ नहीं है तो तांबे में भी धारण कर सकता है, ये मेरा अपना जो अनुभव है जी। क्योंकि सूर्य का जो धातु है, सूर्य की धातु जो है वो ज्योतिषी में, शास्त्रों में कहीं जाके सोने के अलावा तांबे से भी रिलेट करती है जी। और इसके अतिरिक्त जो है जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं है तो माणिक्य का जो है सब्स्टिट्यूट भी धारण कर सकता है, वो लाल रंग का एक रत्न आता है उसको भी धारण कर सकता है, लाल रंग का अकीक भी धारण कर सकता है। और लेकिन मोती धारण करने के लिए मेरे विचार से मोती धारण हमेशा चांदी में करना चाहिए। बिल्कुल। और मोती धारण करने के लिए चांदी में अंगूठी जो है सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली में पहनना चाहिए, और उसके बाद वाली जो जिसको रिंग फिंगर कहते हैं उसमें माणिक्य धारण करना चाहिए जी। उसके बाद पूजा करें, विशेष लाभदायी रहेगा। और अब बारी है कन्या राशि की, जान लेते हैं कन्या राशि के ऊपर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है गुरु जी। ये कन्या राशि जो है वो भी बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है और हरे रंग का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार रत्नों में जहाँ तक देखा जाए, अगर कन्या राशि वाले जो हैं पन्ना धारण करके पूजा करते हैं या पन्ना अपनी पूजा में रखते हैं, इसके अतिरिक्त हरे रंग का रुमाल, आसन पे हरे रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, लाल और सफ़ेद और पीले कपड़े के अलावा हरे रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, विशेष लाभकारी रहेगा। हरे रंग का कपड़ा यहाँ पर अगर इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा लाभ ये पहुंचा सकता है। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की, तुला का चिन्ह अगर देखें तो वहां पर एक तरह से दो तराजू नजर आते हैं जो कि आपस में ये दर्शाते हैं कि किस तरह से बैलेंस्ड होते हैं ये लोग। तो गुरु जी से जान लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों को शुक्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, शुक्र ग्रह का, और आपने जो कहा बहुत अच्छी बात कही कि बैलेंस करते हैं, तराजू का नाम तुला होता है जी। तो शुक्र जो है आपके जो मेंटल स्टेटस है या दिमाग का, आपका जो दिमाग की स्थिति है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर आप उससे संबंधित चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए पूजा करते हैं, जैसे कि आपने जो है जर्किन या हीरा अगर आप पहन सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, अगर नहीं पहन सकते हैं तो आप जर्किन पहनिए, बहुत सस्ता नग आता है, उसको चांदी में धारण करें और सफ़ेद रंग का वस्त्र जो है पूजा के स्थान पे लाल के अलावा सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं, सफ़ेद रंग का रुमाल जेब पे रखें या अपने कंधे पे सफ़ेद रंग का रुमाल रखें, दुपट्टा रखें, वो विशेष लाभदायी रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने किस तरह से अलग अलग राशियों के ऊपर माँ के स्वरूप का प्रभाव पड़ता है। और फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल। कांत गौरी दुनिया के ज्वलंत मुद्दों के साथ, छोटे शब्दों में आम भाषा में कहा जाए तो चाइना से कोई पंगा नहीं लेना। ये अभी एफओए ने कहा कि मात्र 12 हफ्ते फूट बचा है दुनिया के लिए। सटीक जवाब विशेषज्ञों के, हमारे देश में तो ऐसा कोई क्राइसिस इस समय दिख नहीं रहा, क्या निदान सकता? इंटरनेशनल इनिशिएटिव किस करके उसे प्ले अप नहीं कर सकते, आंखें बंद कर बंद, हम छुटो मुल्क नहीं है, हम बहुत सजीव कौम है भारत की। सवाल जवाब और विश्लेषणों के साथ वर्ल्ड 360 हर शनिवार दोपहर 12:30 बजे।
रहिए बिग 92.7 एफएम, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। बॉलीवुड के हिट्स एंड फ्लॉप, सितारों के अफेयर्स और चटपटी न्यू रिलीज और बॉलीवुड की रोजाना खबरों के साथ बॉलीवुड क्लिप्स रोज शाम 11:30 सिर्फ आजाद न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कि माँ के चंद्र घंटा स्वरूप का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होता है। हमने जाना मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि के बारे में, और अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। गुरु जी, ये वृश्चिक राशि वाले मूंगा और मोती एक साथ धारण करके और सफेद और लाल वस्त्र, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो मंगल के जल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। मंगल प्रचंड प्लानेट होता है, ग्रह होता है, लेकिन चूंकि चंद्र घंटा स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं जी, तो विशेष लाभ लेने के लिए आपको जो है मोती धारण जरूर करना चाहिए, तो आपके गुस्से पे कंट्रोल रहेगा। इसके अतिरिक्त आपके धन संपन्नता में वृद्धि होगी, परिवार में कोई क्लेश होने के, किसी प्रकार की आपदाओं आने के, किसी प्रकार के संकट आने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए, तो साफ तौर से गुरुजी ने बताया कि वृश्चिक राशि वालों को इस दिन के महत्व को समझना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है अगर वृश्चिक राशि वाले माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करते हैं। और अब बात करते हैं धनु राशि की। गुरु जी, धनु राशि बृहस्पति की उच्च की राशि है और बृहस्पति जो है उसकी अग्नि राशि भी है, तो बृहस्पति को शांत करने के लिए आपने पहली उंगली में, जिसको कि आप जो है इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उसमें आप सफ़ेद रंग का पुखराज नहीं तो सफ़ेद रंग का आप मोती भी धारण कर सकते हैं। उससे आपके घर क्लेश और दूसरी आपदाओं से आपको बचाव रहेगा और सुख शांति की वृद्धि होगी, घर में धन आगमन जो है तीव्र होगा। चलिए, अगर परेशानियों से बचना है तो वहाँ पर पूर्ण रूप से चंद्र घंटा माता का जो स्वरूप है उनके आगे नतमस्तक आप हो जाइए। और अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के ऊपर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है गुरु जी? जी, मकर राशि जो है वो चर राशि है, राशि ऑफ मूवमेंट ऑफ सैटर्न या शनि की राशि है, तो शनि की राशि को, मूवमेंट की राशि को कंट्रोल करने के लिए आप शनि का जो है रत्न के अलावा आप क्योंकि चंद्र घंटा की आप जो है आराधना कर रहे हैं तो मोती तो धारण जरूर करें जी। साथ में अपनी जो है मिडिल फिंगर में लोहे का जो है घोड़े की नाल का या लोहे का, वैसे भी आप साधारण लोहे का भी चल्ला पहन सकते हैं। इसके अलावा काले वस्त्र आप पूजा की चौकी पे लाल और सफ़ेद वस्त्र ही बिछाएं, जेब में काले रंग का रुमाल रखें, इस प्रकार से आराधना करने से विशेष लाभकारी रहेगा। इससे आपको देवी की कृपा के अलावा शनि की भी कृपा मिलेगी। चलिए, देवी की कृपा के साथ शनि देव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। गुरु जी, कुंभ राशि के बारे में क्या? ये कुंभ राशि भी शनि की राशि है, शनि की उच्च की राशि है और यहाँ पे शनि अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इसलिए इस दिन की पूजा, चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए, क्योंकि शनि और चंद्रमा जो है वो माइंड में कन्फ्यूजन प्रदान करते हैं, अगर राशि कुंडली में अगर एक साथ बैठे हों तो दिमाग में कोई भी प्रकार की किसी सोच विचार में जो स्थिरता नहीं पैदा होने देते, उसको दूर करने के लिए आप काले घोड़े की नाल का बना हुआ चल्ला या साधारण लोहे का चल्ला दूध में भिगो के उसको निकाल करके उसको पूजा स्थान में रखें, देवी की पूजा आराधना जो है वो उसी प्रकार जैसे कि पहले मैंने आपको बताया दूसरी राशियों के लिए वो करें, काले रंग का रुमाल भी अपनी जेब में रखें,
ये पूजा आपको विशेष लाभदायी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि के बारे में, यानी कि अब बात करेंगे मीन राशि के बारे में। गुरु जी, चंद्र घंटा माँ का स्वरूप आपने बताया किस प्रकार का है, किस प्रकार के प्रभाव अलग अलग राशियों में पड़ते हैं। मीन राशि की अगर बात करें तो बहुत ही शांत प्रकृति के लोग ये माने जाते हैं। इस राशि के जातकों के ऊपर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मीन राशि बृहस्पति की जल राशि है, तो ऑलरेडी बृहस्पति वहाँ पर जो है उग्र रूप में नहीं होते हैं, इसलिए ये पूजा साधारण तौर पे भी की जा सकती है। अगर आप सफ़ेद रंग का पुखराज पहनते हैं, अगर आप पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति संपन्नता उतनी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सफ़ेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें पूजा के समय, और माँ की आराधना जो है, माँ की पूजा जो है उसका स्वरूप को ध्यान में करते हुए कि माँ के सिर के ऊपर अर्धचंद्र जो है वो विराजमान है, पूजा करें, आपको विशेष लाभदायी रहेगा। तो भक्तों, देखा आपने किस तरह से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, किस प्रकार से माँ के स्वरूप का प्रभाव पड़ता है अलग अलग राशियों पर। और हमारे इस कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो गया है, लेकिन चलने से पहले धन्यवाद करना चाहेंगे एस के शर्मा जी का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस प्रकार से माँ के स्वरूप को प्रसन्न किया जा सकता है, और विधि विधान से पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय माता की। नमस्कार।